लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान है बीजेपी युवा मोर्चा की युति अध्यक्ष सुहासिनी नायडू जी। लंबे समय से आप समाज के लिए काम करती हैं नेरुल में, अच्छा आपका व्यक्तित्व, अच्छी छवि है सामाजिक काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। इस वक्त खुद हमारे साथ सुहासिनी नायडू जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके कौन कौन से और आगे काम होने वाले हैं, किस तरह से जनता की मदद कर रही हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी वन इंडिया में। धन्यवाद सुधीर शर्मा जी, आज आपने यहाँ पे हमें न्योता दिया और कुछ मन की बातें थे जो मुझे जनता के सामने रखने था, उसका अवसर मुझे प्राप्त हुई आपके इस चैनल के माध्यम से। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि महानगर पालिका के अब चुनाव अब जल्दी आने वाले हैं और ऐसे में आपके जो पर्टिकुलर वार्ड है, वार्ड नंबर 84, उसमें किस तरह से विकास हुआ, उसकी स्थिति क्या है, क्या आपका आकलन है? अभी जब से 15 साल से हम लोग अपना पॉलिटिक्स देख रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो इसके पहले भी जो नगर सेवक थे उन लोग सब लोगों का, मतलब मैंने जहाँ तक के लोगों को देखा, सब लोगों का एक रहता है कि मुझे ये काम निकालना है तो इससे मुझे कितना आंकड़ा मिल सकता है। सिर्फ अपना खुद का स्वार्थ में लोगों ने काम किया है और बहुत सारे काम ऐसे कि हुई नहीं है। आज हमारा जो वार्ड है इतना बड़ा वार्ड है, सेक्टर 2, 4, जूही नगर तीनों रहकर भी वहाँ पर हम लोगों को एक समाज हॉल तक नहीं है कि लोगों को कुछ प्रोग्राम्स लेना है, फंक्शन लेना है, तो हम लोगों को दूसरे के यहाँ पे जाकर उनके प्रतिनिधि से मिलना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे कुछ एक ऐसा भवन तक नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए। जी, सीनियर सिटीजन के लिए भी विरंगुड़ा केंद्र, इसकी भी कोई ये नहीं है। सिर्फ गार्डन्स है, 2 गार्डन्स, वो गार्डन्स को भी कुछ अच्छी तरह से बनाया नहीं गया है, गार्डन्स के ऊपर भी कुछ वर्कआउट नहीं है। आज 15 साल से मैं लोगों को देख रही हूँ, प्रतिनिधि आ रहे जा रहे, लोगों का कुछ भी काम नहीं है। जो नॉर्मल ऐसा काम जो है, जो पालिका अपना काम करती है, ये वही काम हमारे यहाँ पे मुझे दिखा। एक जो ग्रेविटी होनी चाहिए एक प्रतिनिधि में, वो मुझे कभी दिखी नहीं है उन लोगों में। तो अभी का भी जो लास्ट नगर सेवक रहकर गए हैं, आज हर वार्ड में आप देखोगे कि जिम है लोगों के लिए, फिटनेस सेंटर है, आज आप देखोगे कि हर जगह पे अलग अलग शोकेस वगैरह लगे हैं, मतलब शोभीकरण के लिए। लेकिन आज हमारे यहाँ पर आप ऐसे देखोगे तो कुछ भी नहीं है। उस सब चीजों के लिए हम लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है, आम नागरिक को रोड पे उतरना पड़ता है, ऐसी अवस्था हमारे वार्ड की है। आपके प्रभाग में अभी फिलहाल, जैसे अभी आपने खुद बताया कि पिछले जो नगर सेवक हैं उस तरह से उन्होंने पर्याप्त काम नहीं किया और तमाम समस्याएं, अगर प्रमुख तौर पर मैं आपसे जानना चाहूं कि प्रभाग 84 में किस किस तरह की बड़ी समस्याएं हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और आप काम करेंगे? अगर आप देखते हो तो हमारे वार्ड में फुटपाथ का काम बहुत बार निकल चुका है, वो होता है फिर वो आधा रह जाता है और मतलब उसका परफेक्टली अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि फुटपाथ को एक अच्छे से जो सीमेंट कॉन्क्रीट होके और अच्छे से जो लोगों को कार पार्किंग का भी इश्यूज है तो उन लोगों को एक जगह पे कार पार्किंग का जो है अवेलेबिलिटी करके एक साइड में जो फुटपाथ है लोगों को आमतौर से चलने के लिए उस चीज का, क्योंकि हमारे यहाँ पर का रोड काफी हर जगह पे सेक्टर 2 में 4 में जूही नगर में सब जगह के देखेंगे तो सोसाइटी के बाद में का अगर देखते तो रोड बहुत छोटे छोटे रोड्स हैं। तो उस रोड को कैसे हम लोग ट्रैफिक फ्री कर सकते हैं, मर्ज फ्री कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें कोशिश रखनी है। और सेकेंड थिंग तो जो सामाजिक भवन जो मैंने आपको कहा, क्योंकि आज किसी का बर्थडे है, कुछ भी प्रोग्राम है, कुछ मीटिंग लेना है, तो वो एक कुछ भी रहना है तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी एक चीज है जो मैं इलाबोरेट करना चाहूंगी कि वो एक रहना चाहिए अपने यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे STP के सामने बहुत बड़ा जगह है तो वो STP अभी शिफ्ट होने वाला है, तो वो जो जगह है उसको भी हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं, फिटनेस सेंटर लेके आ सकते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी को जो है फिटनेस सेंटर, लाइब्रेरीज जो है, ये सब फैकल्टी जैसे कि वज्रानी है सेक्टर 18, ऐसा कुछ एक हमारे यहाँ पे लेके, भले ही वो पेड सर्विस होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लोगों को दूसरे जगह पे जाके वो सब चीज अवेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीते लॉकडाउन में अगर नजर डाला तो आप लोग बहुत परेशान थे, तो आपने किस तरह से अपने प्रभाग के नागरिकों की आपने सेवा की, कैसे मदद की? आज हम लोग तो कभी प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा कुछ समय अपने ऊपर आने वाला है। जब न्यूज़ में देख रहे थे लोगों में एक बहुत भयभीत वातावरण रहा, लोग बहुत डरे हुए थे। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि
लॉकडाउन लग चुका था, लॉकडाउन लगने के बाद में चीजें भी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रही थी, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने सब्जी वगैरह, क्योंकि सब्जी का तो एपीएमसी मार्केट भी बंद हो रहा था और आ रहे थे तो सब्जी को डबल ट्रिपल रेट पे लोग बेच रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों के पुणे में कुछ सोर्सेस है वहां से हम लोगों ने सब्जी मंगवाई, हमारा खुद का टेम्पो है, वो टेम्पो में रख के हम लोगों ने 10 रुपीज में टमाटो, 10 रुपीज में एक एक 1-1 kg जो सब्जी है 20-10 रुपीज में, मतलब ना मुनाफा ना कुछ, उन लोगों को भी जो शेतकरी थे उनको भी बेनिफिट हुआ, लोगों को भी बेनिफिट हुआ। उसके लिए हम लोगों ने काम किया, 2 लोगों को हायर किया था जो लोग सब्जी वगैरह लेके आके भेजते थे, तो मतलब मेरा ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होता था कि रोज रोज, लेकिन एटलीस्ट 4 डेज में एक बार लेके आके उनको सब्जी पहुंचाना। और बहुत सारे ऑटो वेंडर्स थे जिसका घर, मतलब अभी आप सोचेंगे देखेंगे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उनको तो पूरी रोजी रोटी बंद हो गई थी, पूरी बंद हो चुकी थी, तो उनके लिए जो था कि हम लोगों ने आज मंदाताई थी, आमदार मंदाताई, उन्होंने भी मुझे काफी हेल्प किया, उन्होंने भी मुझे राइस दाल ऑयल इनकी उपलब्धि करवा की थी, कुछ मैंने अपने फंड से भी किया, कुछ केयर फाउंडेशन का हेल्प लिया, ये तीनों की तरफ से मैंने लोगों को मतलब 4 टप्पे पे हर इंसान जितने लोग थे उन लोगों के घर घर जाके हम लोग धान्य पहुंचा रहे थे, हम लोगों ने लिस्टिंग कर रखी थी, उस लिस्टिंग के हिसाब से लोगों को धान्य पहुंचा रहे थे। और उसी बीच में आपने देखा कि अर्थ ये फ्लड आया था, तो हर जगह पे झाड़ गिर रहे थे, ज्यादा बारिश हो रही थी, उस समय भी महानगर पालिका ऐसे हो गए थे कि उनके पास मैन पावर कम थी और उनका पहुंचना अवेलेबिलिटी कम था, तो उस समय भी मैंने अपने कुछ लोगों को हायर करके मैंने ट्री कटिंग की मशीन लेके सब जगह पे जाके, अगर आज आप देखेंगे तो सेक्टर 2 में 4 में हम और हमारी महिलाओं की टीम सब रोड पे उतर के हम लोगों ने वो झाड़ निकालने का काम किया। और उस समय भी मतलब लोगों को भी बहुत दिलासा मिला, क्योंकि सोसाइटी भी बहुत सारी डैमेज हो चुकी थी, सोसाइटी के कंपाउंड हॉल ये सब। उसके अलावा सैनिटाइजिंग के लिए, सैनिटाइज तो ऐसा हो जाता है कि अगर आज कोई मेरे बगल वाला पॉजिटिव आ जाता है तो मैं बहुत भयभीत हो जाती हूँ, हमारे पूरा बिल्डिंग में सब लोग पैनिक हो जाते, पैनिक सिचुएशन था, तो उस समय सैनिटाइज के लिए 4 मशीन लेके लड़कों को हायर करके सैनिटाइज करना पूरा सोसाइटी में, जी पूरा सोसाइटी, आज सेक्टर 2 में 4 में जूनगर में ऐसा कोई सोसाइटी नहीं रहेगा जहाँ पे हम जाके सैनिटाइज नहीं करते, कोई भी पेशेंट है तो हमें फोन आता है, हम जाते हैं पूरा बिल्डिंग सोसाइटी सैनिटाइज करवा के देके आते हैं। कैसा पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा, क्योंकि मैंने आपको खुद भी देखा है जमीन पे उतर के आपने काम किया है, लोगों की मदद की है, तो रिस्पांस कैसा रहा जनता का वहां के प्रभाग की? देखिए पहले तो मैं बचपन से वही पली बड़ी हूँ, मेरा बर्थ हुआ था तुरबे में, लेकिन मैं 2 साल की थी तब मैं उस वार्ड में आई हूँ, वहाँ पे आने के बाद में सब लोग मुझे जानते हैं। उसके बाद में जब हम लोग काम करना शुरू किए थे लोगों का, एक बोलते हैं ना आज जो हमारे एक्स कॉरपोरेटर थे वो कैसे हो गए थे, वो हमारे इधर के नहीं थे, वो 82 वार्ड के थे, तो उनको कैसा बोलते ना जब घर के लोग जो रहते हैं ना वही अपनी समस्या समझ सकते हैं, तो ऐसा हो गया था कि किसी का डेथ हो रहा है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी है, तो उस समय इजी अवेलेबिलिटी किसकी होती थी, ये लोग देखते थे, तो लोग अपने पास आते थे, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जनसंपर्क का कार्यालय अपना 5 साल है, हम लोग ने ओपन किया है तब से हम लोग उस जगह पे अवेलेबिलिटी है हमारी, तो हम लोग वहाँ पर रहते हैं, तो लोग आते हैं तो हमको बताते हैं कि सो एंड सो हमारा प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हमें निवारण कैसे लेके आना है उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया, और लोगों का भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा, क्योंकि लोग काम उनके पास आता है जिसके पास कैपेबिलिटी होता है काम करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग ने हमेशा, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोल के निराश करके भेजा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से खूब प्रयास किया है कि मैं उनको मदद कर सकूं। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप देखेंगे तो, आज लोग है ना आजकल ये करते हैं कि स्वखर्चे में बोल के आज कुछ लोग चिढ़ाते हैं, मैं देखती हूँ लोगों का, मतलब आई वॉन्ट टू से कि इफ मैं अपने घर से खर्चा करके मैं करना चाहती हूँ दैट इज माई एबिलिटी टू डू, इसके ऊपर कोई पॉइंट करने वाला कोई नहीं है। आज कोई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि अरे हाँ उनके हस्बैंड कमा रहे वो लेके आके डाल रहे हैं, ऐसी मेरी मेंटालिटी तो नहीं है ना, लेके आके मैं मेरे लिए कर रही हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रही हूँ, मेरी मेंटालिटी ऐसी है कि मैं लोगों को जनता की मदद हो रही है, जनता की सेवा। आज मेरे पास कोई ऑफिस में आके मुझे बोल रहा है कि मैडम यहाँ पर का जो रास्ता है यहाँ पे पूरा खड़बुड़ी रास्ता है, अभी अगर मैं महापालिका को अप्रोच करती हूँ महापालिका बोलती है कि नहीं ये जो रोड है ये सोसाइटी के अंतर्गत पे, और LIGMIG ऐसा एरिया के जहाँ पे सोसाइटी की वर्गनी जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, तो उसके ऊपर वहाँ पे सोसाइटी भी नहीं कर सकती, अगर वहां पर मैं अपने इससे अगर ना करती हूँ तो पब्लिक के दिलासे के लिए मैं करती हूँ तो डेफिनेटली पब्लिक खुश होगी उस चीज के लिए, तो आज उस तरीके से आप देखेंगे तो मेरा बहुत काम, सीडी लगवा के देना, रोड बनवा के देना, किसी का कंपाउंड वॉल बनवा के देना, ये सब काम के ऊपर मैंने काम किया है। फिलहाल आप देखें अगर तो नवम्बई में 2 विधानसभा क्षेत्र है और आप बीजेपी की सीनियर महिला कार्यकर्ता है, लंबे समय से आप काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, 2 विधायक है अरौली और बेलापुर में, किस तरह से आपके विधायकों का सपोर्ट मिलता है आपको काम करते समय?
पहले तो मैं बोलूंगी कि आज 5 साल से मैं बीजेपी के लिए काम कर रही हूँ। जिलाध्यक्ष हमारे डॉक्टर रामचंद्र गरज जी एंड जिलाध्यक्ष हमारे दत्ताजी गंगाले, इनके मार्गदर्शन में मैंने बीजेपी में प्रवेश किया था। उसके बाद में मुझे तो उनका भी बहुत हेल्प मिला, जैसे कि मुझे कुछ भी एक इजी प्लेटफॉर्म रहा मुझे काम करने के लिए। उसके बाद में से जब से मैं आमदार बेलापुर विधानसभा की जो आमदार है मंदाताई मात्रे, उनके नेतृत्व के अंदर मैं काम करने लगी तो मुझे काफी हेल्प मिला है। मुझे हर चीज के लिए जब मैं ताई से पूछती हूँ कि ताई मुझे ये काम करना है तो उनके पास से मुझे अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। उनका निधि भी है तो उस निधि से मैंने आज ओपन जिम के लिए मांग की थी तो मुझे ओपन जिम बना के मिला। तो मैंने उनसे म्यूजिक यंत्रणा के लिए मांग की थी तो वो मिला। मुझे दो दो जिम बनवा के दिया ताई ने, एक सेक्टर 8 में बनवा के दिया, एक 2 में और एक 4 में, 3 जिम टोटल हमारे हुए। तो इसमें मतलब मुझे उनके तरफ से काफी हेल्प मिला है। वॉशरूम के लिए मैंने मांग की थी, वो उन्होंने बना के दिया उनके आमदार निधि से। तो मुझे ताई का भी काफी हेल्प रहा है। और अभी नायक साहब आए हैं तो नायक साहब के पास भी अगर मैं कुछ काम लेके जाती तो वो डेफिनेटली मुझे काम करवा के देते हैं। आपके प्रभाग से कौन से ऐसे खास मुद्दे होंगे जो अगर आपको इस बार मौका मिलता है तो आप चुनाव में निश्चित तौर पर उठाएंगी, जनता के बीच उसे ले जाएंगी? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है वो एसटीपी का ही रहा है। एसटीपी के वजह से कैसे दुर्गंध आती है बाहर, आजू बाजू के जो लोग रहते हैं उनको मच्छर का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो वो एसटीपी उधर हटा के उधर का जो है क्लीनिंग करके तभी वो स्नेक का इश्यूज भी कम होगा। स्नेक भी काफी ऐसे है। आज हमारे दगावकर साहब रहते हैं सेक्टर 4 में, जो अपने एक्स एनएमएमसी ऑफिसर थे वो भी रहते जी हाँ। आज अगर आप देखेंगे तो उनके घर के यहाँ पे उनके सोसाइटी में भी स्नेक चला जाता है। तो मेरी उनसे भी कभी एक दो बार बात हुई थी तो वो बोलते हैं कि इसका ये जो मैंट्रोस है उसकी वजह से चीजें होती है। तो वो चीज से सबसे रिट ऑफ अगर लेके आना है तो थोड़ा एसटीपी को आगे डाल के वहाँ पे कुछ अगर बनता है तो इससे मतलब वो जब से यूज होना शुरू होगा उस एरिया का तो उसके बाद में काफी सारे चेंजेस आ सकती है वहाँ पे। तो वो एक कोशिश रहेगी कि एसटीपी हटा के वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वज्रानी जैसा एक फिटनेस क्लब लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुद्दे क्या रहेंगे जो आप जनता के सामने उठाने की कोशिश करेंगे? गार्डन्स के बारे में है कुछ, और लाइब्रेरीज के बारे में, बच्चों के लिए लाइब्रेरीज के बारे में भी कुछ सोचा है, और भी बहुत कुछ है आएगा फिर मैनिफेस्टो में अपने। महिलाओं की सुरक्षा, चूंकि आप खुद महिला हैं तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर हैं आप उस क्षेत्र में? निवली मुझे ये पद मिला था युवती अध्यक्ष, उस समय कुछ एक केस हुआ था आशिफा का, उस समय मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी उस केस के बाद। उसके बाद में हम लोगों ने जाके जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर थे विनोद तावड़े जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम लोगों ने उनको पत्र द्वारा निवेदन दिया था कि जितने भी स्कूल्स है वहाँ पे कंपल्सरी कराटे सेक्शन किया जाए। इससे कैसा है कि महिला अपनी बचाव में एटलीस्ट रोक तो सकती है किसी को सामने, बिकॉज आज हम लोग किसी की मेंटेलिटी को पढ़ नहीं सकते कि कौन क्या सोच रहा है। तो वो एक हमारी रही थी। और आज हमारे बहुत सारे बचत घट चल रहे हैं तो बचत घट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बचत घट में भी हम लोग क्या करते हैं, महिलाओं को लोन प्रोवाइड करते हैं जिससे उन लोग कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अच्छा। कि मैंने काफी महिलाओं को वड़ा पाव स्टॉल के लिए हेल्प किया है, सामान वगैरह सब दिलवा के। तो मतलब हमारा जो है 35 बचत गट चल रहा है, तो 35 बचत गट में हम लोग यहाँ वहाँ से करके लोगों को हेल्प करके उनका भी मतलब उनको EMI के तौर से देते थे कि आपको ये इसमें करना है, तो उनको भी एक ईजी पे हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा आज देखेंगे वॉक के लिए जाते हैं तो लोगों को चेन स्नैचिंग का सब प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें महानगर पालिका से मांग हुई थी तो आज हमारे ऐरोली विधानसभा के आमदार और बेलापुर विधानसभा के आमदार, इन दोनों के और से आमदार निधि से आज हमारे यहाँ पर कैमरास भी इंस्टॉल हुए हैं। जी, इससे महिलाओं को एक बहुत बोलते हैं ना एक दिलासा मिला है कि आज जो भी बाहर निकलते तो एटलीस्ट CCTV कैमरा है, सेफ है, बोल के एक निगरानी में है, उनको भी एक थोड़ा सेफ्टी मिला है। एक और कोशिश रहेगी, मैंने एक लेटर भी दिए थे पुलिस कमिश्नर जी को कि हम लोगों को एक चौक चाहिए जो अपना शमशान भूमि है सेक्टर 4, उस तरफ कैसे लेडीज वॉकिंग के लिए काफी आते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा पुलिस चौक रहेगा जो होता है ना की, हाँ, जी हाँ, तो वो एक रहेगा तो काफी हद तक जो ये लड़के घूमते हैं आज आप देखते हैं तो बहुत सारे लड़के बाइक लेके घूमते रहते चेस स्नैचिंग के लिए सब के लिए, तो वो एक डर लोगों के मन से निकल जाएगा वहाँ पर अगर एक पुलिस का तैनात रहेगा तो। अभी वर्तमान में जो नगर सेवक रहे हैं उनके कामकाज को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? वास्तव में अगर देखा जाए तो मैं उनके काम को नहीं बोलना चाहूंगी, मैं अपने काम के बारे में बात करना चाहूंगी। क्योंकि आज मैं बचपन से वही वार्ड में रही हूँ, वहाँ पर कुछ भी होता है, कोई एक बेबी बर्थ भी होता है तो हम लोग पहले चले जाते हैं, किसी की डेथ होती है तो भी हम लोग चले जाते हैं। ये क्यों जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उधर के नागरिक है, उधर के स्थानिक नागरिक है। अगर हम एक्स को देखेंगे तो वो हमारे 82 के थे, 82 वार्ड के थे, तो उनका अवेलेबिलिटी बहुत कम था। ये लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और हमेशा ऐसा होता था कि कुछ रात का कुछ मैटर है, कुछ पुलिस स्टेशन का मैटर, उस समय भी क्या होता था कि हम लोग चले जाते थे, उनका अवेलेबिलिटी कम होता था। तो ये आज लोगों ने भी देखा है, सब नागरिकों ने भी अनुभव लिया है
है तो आज वो देखेंगे उनको क्या करना है। मैं उनको क्रमांक नहीं देना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जनता से अपील करना चाहूंगी कि अगर आज मैं अपने फंड से आप लोगों के लिए इतना करना करने की कोशिश कर रही हूँ, कल अगर मेरे को महानगर पालिका के थ्रू अगर कुछ एक पोजिशन मिलता है तो मैं डेफिनेटली बहुत कुछ आपके लिए कर सकती हूँ, क्योंकि मैं करना भी चाहती हूँ, इसके लिए मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। मेरा कोई ऐसा एंटीमेट मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ मनी एंड वेल्थ एंड पावर के लिए मैं आई हूँ, मुझे सिर्फ एक है जनता की सेवा बोल के मैं आज 5 साल से कर रही हूँ। 24/7 में घर से बाहर रहती हूँ, अगर आज देखेंगे सैनिटाइज के लिए भी मैं ऐसा नहीं करती कि सिर्फ लड़कों को भेज दिया, मैं खुद वहाँ पर जाके खड़ी रहती हूँ और करवा के लेती हूँ सैनिटाइज। आज रोड का काम भी रहने तो हम लोग खड़े रहते हैं, आज झाड़ ट्री कटिंग का काम है वहाँ पे भी जाके हम खड़े रहते हैं, ये सब जेंट्स का काम है वो कर लेते हैं, लेकिन तो भी मैं वहाँ पे जाके खड़ी रहती हूँ और वहाँ पे करवा के लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि काम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना है, परफेक्टली उसे करवा के भी लेना है, तो इसलिए मैं वहाँ पे खड़ी रहती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं अभी महाविकास आघाड़ी, तीन दल एक साथ, अभी फिलहाल तक तो तीन दल दिख रहे हैं एक साथ कि भाई महाविकास आघाड़ी भाजपा के खिलाफ खड़ी हो रही है, आपके प्रतिद्वंदी जो हैं, जो आपके अपोजिट हैं, उनसे आप कितना बड़ा चैलेंज मानती हैं खुद की जीत के लिए? आज महाविकास आघाड़ी, राष्ट्रवादी, शिवसेना एंड कांग्रेस, ये तीनों मिलके चुनाव करने वाले हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रभाग में जो बीजेपी का काम हुआ है, आज मैं जब वार्ड में निकलती हूँ तो मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस में समझिएगा, लेकिन आज जब हम वार्ड में निकलते हैं तो बहुत जगह पे है ना लोग खुद मुझे कह रहे हैं कि आप इसमें उतरिए, क्योंकि पहला मेरा कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, मुझे एक पद था, मेरे हस्बैंड उनका अच्छा खासा उनका इनकम था, मैं भी बैंक की वर्कर थी, मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि मुझे करना है, लेकिन जो मेरी मम्मी का मतलब मेरी मम्मी भी एक सोशल वर्कर थी, उनको देख के मैंने इस पे क्षेत्र में आई हूँ। उसके बाद में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे, मुझे खुद सामने से लोगों ने कहा है कि आप इस क्षेत्र में उतरिए, अच्छा। आप काम कीजिए, क्योंकि हमारे प्रभाग में आज देखेंगे ना कोई कोई 25-25 साल से कर रहे हैं, लेकिन सब अपना फायदा देख रहे हैं। शिवसेना का आप देखोगे जो नगर सेवक थे वो आए, उन्होंने भी मतलब 5 साल में क्या किया, ये पब्लिक को अगर आपको जाके घूम के व्यू ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे व्यू, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटर हूँ, मैं ऑब्वियसली एक अगर आप देखने जाओगे तो पब्लिक मेंटालिटी में कॉम्पिटिटर हूँ मैं, हमेशा नेगेटिव बोलूंगी और मैं नहीं बोलना चाहती नेगेटिव, आप पब्लिक व्यू ले लीजिए उसके लिए। मैडम, प्रभाग 84 की जनता को आप किस तरह से अपना संदेश देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? प्रभाग क्रमांक 84 में आज सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आज जो समय आया है हमारे ऊपर कोरोना का, क्योंकि हम लोग सब इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे, आज हम लोग एक साल से देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू में सब पॉजिटिव आ रहे हैं, हॉस्पिटल जाना एक पैनिक वाला सिचुएशन आज लोगों में बना हुआ है, तो उस सब चीजों से बाहर आने के लिए आपको किसी चीज का जरूरत पड़ रहा है, कुछ भी मदद की जरूरत पड़ रही है तो आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, किसी तरह का मदद हो, सैनिटाइजिंग हो या घर की राशन की प्रॉब्लम्स हो या हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए लेके कुछ प्रॉब्लम है या स्कूल की फीस के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जनसंपर्क का कार्यालय तो आप जानते ही है, वहाँ पे आइए, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आपके सर्विस में 24/7 हम लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप आइएगा। और इसी दौर में अगर समझिए कि जैसे कि आज ये जो साइक्लोन वगैरह सब जो आया था उस समय भी आपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, आप हमारे पास आए, हम भी आपके लिए अवेलेबल रहे हमेशा। इसके और मैं आज सभी को मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आज आयुक्त आज जो हमारे नवी मुंबई के आयुक्त है वो आपसे आके हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग गर्दी मत बनाइए, बाहर मार्केट में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन वो सब चीज़ों का पालन अपनी तरफ से हो नहीं रहा है। इसके लिए आज जो आप रिजल्ट देख रहे हैं 600-700 के आंकड़े में आज पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पर वापस जो पहले 1000 में जा चुके थे हम लोग वापस उसी फ्लैशबैक में आ चुके हैं, तो अगर इस सब चीज़ों से हम लोग को बाहर निकलना है, अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए अपने को इतना तो करना होगा कि हमें बिना कारण बाहर निकलना बंद करके जो मास्क का जो है कंटिन्यूस वापर करना है और सैनिटाइजर हमें यूज़ करना है। तो आप सबसे निवेदन करूँगी कि प्लीज़ अपने हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और आपको किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। जैसा कि आपने खुद कहा कि प्रभाग 84 के उत्थान के लिए, उसके संपूर्ण विकास के लिए आपने संकल्प लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जब महानगर पालिका चुनाव आएगा तो इस प्रभाग की जनता भी आपके इन संकल्पों को पूरा करने के लिए, प्रभाग 84 के संपूर्ण विकास के लिए आपका साथ जरूर देगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपसे रूबरू कराएंगे, तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, TV1 इंडिया। नमस्कार।